कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को सांप कभी नहीं काटते, और इतना ही नहीं, अगर कभी गर्भवती स्त्री को सांप देख भी लेते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं, और इसका वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। सनातन धर्म में कई परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो इन मान्यताओं को मानते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इन मान्यताओं को एक मिथक का रूप देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों और वेदों में बताई गई बातें झूठी नहीं हैं, और इन्हें सभी को जाननी और पढ़नी चाहिए। ये सब बातें सुनकर बहुत हैरानी होती है, जैसा मुझे हुआ। मतलब सच में ऐसा कुछ होता है कि गर्भवती स्त्री को अगर सांप देख ले तो अंधे हो जाते हैं? सुनने में बहुत आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा सच में कुछ होता है। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है कि गर्भवती स्त्री को देखते ही सांप अंधे हो जाते हैं? हमारे धर्मों में हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होता है, स्टोरी होती है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार एक बार एक गर्भवती स्त्री शिवालय में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में पूरी तरह से लीन थी। शिवालय में दो सांप आ गए और गर्भवती स्त्री को परेशान करने लगे। इस कारण स्त्री का ध्यान भंग हो गया। तपस्या भंग होने के कारण स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु ने पूरे सर्प वंश को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी सांप, नाग और नागिन जब भी किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। इस घटना के बाद से ही ऐसी मान्यताएं प्रचलित हो गईं कि गर्भवती स्त्री को देखकर सांप अंधे हो जाते हैं और उसे काटते भी नहीं हैं। एक मान्यता तो ये भी है कि गर्भवती महिला को कभी सांप के सपने भी दिखाई नहीं देते हैं। कथा में यह भी बताया गया है कि इस स्त्री के गर्भ में जन्मा शिशु आगे जाकर श्री गोगा जी देव, श्री तेजा जी देव और जहर वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या ये बात आपको पहले से ही पता थी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।